प्राइम मिनिस्टर मोदी कैंपेन कम्स टू क्लोज हो साथियों बीते दस वर्ष में केंद्र सरकार के हर योजना में काशी हमार साथ दे हमके मार्गदर्शन दे बाबा विश्वनाथ का भव्य धाम काशी रिंग रोड का प्रोजेक्ट बनारस के रेलवे स्टेशन का विकास गंगा घाट के विकास से रोप वे प्रोजेक्ट तक हर योजना काशी ही नहीं पूरे पूर्वांचल के नए विकास से जोड़ ले हो अभी विकास का गति आपके वोट से आगे बढ़े वाली हो साथियों काशी पिछले दस वर्ष में युवा कल्याण अब विकास कर राजधानी बन गई हो सांसद खेल प्रतियोगिता में आप लोगों के उत्साह हम देख ले रहे ने सिगरा और गंजारी के स्टेडियम हो बनास डेयरी और राज तालाब में किसान बदे बनल पेरिशेबल कार्गो के सुविधा हो काशी के लाखों लोगों के मोतिया बिंद के इलाज हो पर्यटन विकास से शहर में बढ़त रोजगार हो हर योजना से हर अभियान से काशी के युवा पीढ़ी के महिलाओं के किसान के नई शक्ति में लथो हमके याद है हमरे नामांकन के दिन युवा पीढ़ी कैसे एक अलग उत्साह में रहल अब यह उत्साह हर बूथ पर दिखे हमारे ये आग्रह हो साथियों अब काशी के विकास के नई ऊंचाई देवे का अवसर हो ई तभी हो पाई जब काशी के लोग एक जून के ज्यादा से ज्यादा मतदान करियन काशी के युवा नारी शक्ति और किसानन से ता हमारा विशेष आग्रह हो आप लोगों का एक एक वोट हमार शक्ति बढ़ाई हमें नई ऊर्जा दी आप लोगों के समाज के हर परिचित का काशी के हर बुजुर्ग का वोट करावे के हैं आपके याद रखे को हो पहले मतदान फिर जलपान एक बार फिर मतदान पर्व के लिए काशी के हमारे परिवार के हमार ढेर सारी शुभकामनाएं हर हर महादेव So that was Prime Minister Narendra Modi making an appeal to the voters of Varanasi to come out in large numbers and cast their ballot on June 1st, which is the last phase of elections for the Lok Sabha. And that is when Varanasi, the constituency from where Prime Minister Modi is seeking re election on a BJP ticket, in fact, is contesting from. So, a vote appeal there being made by Prime Minister Narendra Modi, where he, of course, cited all the developmental works that have been done in Kashi, in Banaras, in Varanasi over the last 10 years.